हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुरभि, इंडियन गर्ल इन यूरोप, और आज वेलकम फिर से स्टडी रिलेटेड वीडियो स्टडी इन जर्मनी। अगर आपको विदाउट ट्यूशन फीस फ्री एजुकेशन करनी है जर्मनी में तो ये वीडियो आपके लिए है। और जैसा कि आपको दिख रहा है, जर्मनी में काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रही है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में काफी ज्यादा ठंड होती है और स्नोफॉल होती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा भी होता है क्योंकि ब्राइट सा हो जाता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं क्योंकि इंडिया में कुछ ही पार्ट्स में स्नोफॉल होता है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ बता देती हूँ, वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हम इंडिया ट्रिप का भी अपडेट आपको इसी वीडियो में देंगे कि आप हमसे कैसे मिल सकते हैं, फ्री मीटअप्स हम कर रहे हैं तो कहाँ पर कर रहे हैं, और प्लस आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि स्टडी इन जर्मनी से रिलेटेड है वो इस पूरे वीडियो में होगी। और मैं बाकी का वीडियो बनाने के लिए अंदर आ गई हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स स्नोफॉल काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन बहुत देर तक बाहर खड़ा नहीं होया जा सकता। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चली गया है, वो ये है कि कॉस्ट ऑफ स्टडी इन जर्मनी। टोटल खर्चा आपका कितना होगा अगर आपको जर्मनी स्टडी करने के लिए आना है तो। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले से पहले कि कितना आपको फंड जो है वो टोटल लेके रखना है ईयरली बेसिस पर, क्योंकि ऑफ कोर्स सब लोग फ्री एजुकेशन बोलते हैं, फ्री ट्यूशन फीस बोलते हैं, बट एक्चुअली फ्री का मतलब तो ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं देना, बट ये केस नहीं है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपको कहाँ पर कैसे जो है कितना खर्चा देना पड़ेगा। 2024 में ऑफ कोर्स जो प्राइजेज हैं वो थोड़े बहुत बढ़ भी गए हैं, प्लस कुछ चीज़ों में बढ़ गए हैं कुछ चीज़ों में नहीं। तो हम पूरा जो है वो बात करेंगे ताकि ये आपके लिए एक ऑनलाइन गाइड हो सके कि आपका खर्चा कितना हो। अच्छा गाइज, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि हम बहुत सारे 2024 में आपको अपडेट वीडियोस लाएंगे जिससे बेसिकली आप मूव कर सको यूरोप में या स्टडी कर सको यूरोप में। ये आपके लिए पॉसिबल होगा। एक से एक इन्फॉर्मेशन जो है वो इस चैनल पर आएगी, तो सब्सक्राइब कर लो। एंड हाँ, ऑफकोर्स थैंक यू फॉर 50K हमने क्रॉस कर लिया है, जिसका भी बहुत 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 शुक्रिया। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडीइंग इन जर्मनी और आप सेव कैसे कर सकते हो मनी। तो सिर्फ ये वीडियो में आपको टोटल कॉस्ट नहीं पता चलेगा, ये भी पता चलेगा कि आप कहां पर कैसे जो है वो मनी सेव कर सकते हो। तो सबसे बड़ा खर्चा जो होता है वो ब्लॉक्ड अकाउंट का खर्चा होता है। ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली आपको एक अमाउंट जो है वो ब्लॉक करवाना होता है। ट्यूशन फीस तो फ्री हो जाती है पब्लिक यूनिवर्सिटी में, पर जो मंथली खर्चा होता है, जैसे यहाँ का कुछ 900 यूरोस पर मंथ का खर्चा है, वो आपको ब्लॉक्ड कराना पड़ता है पहले से पहले। तो जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो ईयरली होता है कुछ 11,172 यूरोस। आप इसको कन्वर्ट कर लो इंडियन रुपीस में कितना है, क्योंकि मैं आपको यूरोस में सारा पैसा बताऊंगी कि यूरोस में आपको कितना मनी जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा अगर आप जा रहे हो, वो भी ईयरली। अब ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए जो अगर आप कोई भी सर्विस देख रहे हो तो फिंटिबा जो है वो वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर है। बेस्ट पार्ट है कि आपका कुछ ही मिनट्स में जो है वो ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो रेडी हो जाता है। और ब्लॉक्ड अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हो तो। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 24 आवर्स का इंडिया सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको कभी भी कोई इशू आता है रिलेटेड टू योर ब्लॉक्ड अकाउंट तो आप डायरेक्टली जो है उनके सपोर्ट टीम में जो मेंशन यहाँ पर है उसमें बात कर सकते हो या उनको ईमेल कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी फिंटिबा पे अगर आप देखोगे तो उनकी कंपेनियन टूल में डिजिटल चेकलिस्ट है, जिसमें कि जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो है वो खर्चा है, और आपको एक डिजिटल चेकलिस्ट या डिजिटल गाइडलाइन चाहिए तो आपको मैं बोलूँगी कि उसके लिए भी जो ये फिंटिबा कंपेनियन टूल है जो कि एकदम फ्री है, आप अभी से ही रजिस्टर कर सकते हो और स्टार्ट कर सकते हो, तो वो कर दो। एंड ऑल्सो ऑफकोर्स अभी के टाइम पे ब्लॉक्ड अकाउंट पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो फ्री मिलेगा अगर आप फिंटिबा से ब्लॉक्ड अकाउंट क्रिएट करवाते हो तो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप वो यूज़ करके अपना ब्लॉक्ड अकाउंट जो है वो क्रिएट करवा सकते हो। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। दूसरा बड़ा खर्चा है आइल्स, जिसका अराउंड 400 यूरो वन टाइम का होता है, तो 400 यूरो आपको खर्चा करना पड़ेगा। आइल्स का स्कोर जो है वो दिखाना पड़ता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, तो इसका जो है वो अराउंड 400 यूरोस खर्चा है। देन एपीएस, एपीएस सर्टिफिकेट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया है अभी के टाइम पे, और वो इम्पॉर्टेंट है जब आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हो, स्टूडेंट वीजा के लिए जाते हो, जिसका कॉस्ट है अराउंड 199 यूरो। अब अगर हम बात करें कि आपकी ये सारी चीजें हो गई, देन द अदर थिंग इज वीजा फ्लाइट टिकट्स। तो वीजा के फ्लाइट्स के टिकट्स जो हैं वो अराउंड आप मान लो 1000 यूरो वन टाइम, उसके लिए आप सेव कर सकते हो। उसकी ट्रिक्स जो है वो मैंने एक वीडियो में, एक रील में जो है वो शेयर करी है इंस्टाग्राम पे, तो वो देखो कि आप कैसे अपना मनी जो है वो सेव कर सकते हो, या स्टूडेंट डिस्काउंट ले सकते हो, या किस टाइम पे जो है टिकट्स बुक कर सकते हो। तो वो देन अगर आप यहाँ पर आओगे तो आप शॉपिंग भी करोगे जर्मनी के लिए, तो वो अराउंड 150 यूरोज में मान के रखती हूँ। बट आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे विंटर टाइम्स में विंटर जैकेट्स हो गए, बूट्स हो गए, वो सब यहीं से खरीदना चाहिए, इंडिया से नहीं खरीदना चाहिए। तो वो सारी डिटेल्स भी मैं रील बनाने वाली हूँ, प्लस मैं वीडियोस में भी कवर करने वाली हूँ कि आपको क्या कैरी करके आना चाहिए। बट 150 यूरो आप मान लो कि आपका छोटा मोटा जो है वो खर्चा हो ही जाएगा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो। देन आपको इम्पॉर्टेंट होता है मनी टू कैरी। जब आप यहाँ आते हो तो 1000 यूरो तक आपके पास जो है वो पैसा होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपने सुना ही होगा जर्मनी में कैश इज द किंग, कैश ही हर जगह चलता है। और इमीडिएटली आप यहाँ पर आओगे तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो आपके इंडिया के कार्ड से, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो कन्वर्ट करवाने में एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेटर ये है कि आप 1000 यूरो जो है वो एक सेव टाइप का अमाउंट है वो अपने पास रखो यहाँ पर। अगर आपका सब कुछ जो रेडी है, जर्मन बैंक अकाउंट रेडी है, तो ऑफकोर्स आप उससे पे कर सकते हो। बट यहाँ पर इमीडिएटली आपको कैश पे करना पड़ेगा, प्लस हो सकता है आपकी ऐप्स ना चले। यहाँ पर आपको जो टिकट लेना पड़ेगा, ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, तो आप उन सब में जो है वो कैश यूज़ कर सकते हो। देन द फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ में आपका जो रेंट हो गया, डिपॉजिट हो गया, फीस हो गई, कुछ छोटे मोटे खर्चे हो गए, उन सब का जो कॉस्ट है वो अराउंड 1300 यूरोज होगा, जो कि एक वन टाइम होगा। प्लस एक और बात कि आपको हाउ टू फाइंड द एकोमोडेशन, या कोई आपको चीट ना करे, किस प्लेटफॉर्म में आपको ढूंढना चाहिए, क्या ईजिएस्ट वे है, चीप ऑप्शंस क्या है, उसके लिए भी एक रील बनाया है, तो जस्ट चेकआउट दैट। कुछ जो इसमें से खर्चे हैं वो वन टाइम है, जैसे मनी जो आपको 1000 यूरो कैरी करना है वो एक बार का है, जो आपको डिपॉजिट करना है, फीस है, वो सब 1300 यूरोज जो मैंने बताई है वो वन टाइम है। वीज़ा फ्लाइट कॉस्ट जो है वो वन टाइम है, एपीएस सर्टिफिकेट जो है वो वन टाइम है, आइल्स की जो जर्मनी की जो फीस है वो 400 यूरोज़ वो वन टाइम है। इसके बाद जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो ईयरली है, तो अगर मान लो 2 साल का कोर्स है तो ऑफकोर्स आपको 2 साल, 1 साल का पहले फिर दूसरे साल का करवाना पड़ेगा ब्लॉक्ड अकाउंट। 4 साल का है तो उस हिसाब से आप अपना कॉस्ट जो है वो रेडी कर सकते हो। अगर पूरा खर्चा देखा जाए तो 15,331 यूरो जो है वो टोटल आपका कॉस्ट लगेगा, जो कि है 13 लाख इंडियन रुपीस। अब आप इसके लिए जो 13 लाख इंडियन रुपीस है इसके लिए लोन भी ले सकते हो, जो मैंने आपको बताया था फिंटिबा कंपेनियन टूल। अगर आप वहां पर देखोगे तो आपको लोन कहाँ से ले सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म से, वहां पर वो भी दिख जाएंगे। प्लस आपको एक चेकलिस्ट दिखेगी जिसमें भी आपको सब पता चल जाएगा। अगर अच्छा अभी मुझे जो है वो यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, फिर मुझे ये डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना है, फिर स्टूडेंट वीज़ा के लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। बट बिकॉज आपके पास एक फिंटिबा जो ऐप है उसमें एक डिजिटल चेकलिस्ट गाइडलाइन होगी तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। प्लस ऑफकोर्स हमारे वीडियोज़ जो हैं वो भी आपको हेल्प करेंगे। तो ये हो गई आपकी पूरी खर्चे की बात। यहाँ पर जर्मनी में या बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। जो टैलेंटेड बंच ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां 100% तक स्कॉलरशिप जो है मिलती है, जिसमें आपका एकोमोडेशन कॉस्ट, आपका फूड, ट्रैवल, सब कुछ इंक्लूडेड होता है। उसकी भी वीडियोस हम टाइम टू टाइम जो है वो रील्स बनाते रहते हैं, शॉर्ट वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो वो ज़रूर देख लो। लो। और ऑफ कोर्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिंटिबा के साथ जो है वो आप अपना ब्लॉग्ड अकाउंट क्रिएट करवा सकते हो, कंपेनियन टूल में सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हो, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करना। अगर आप स्टडी रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो वो हमें कमेंट कर सकते हो। और अब लास्ट चीज़ जो कि है इंडिया ट्रिप का अपडेट। इंडिया ट्रिप का अपडेट थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है क्योंकि मेरी जो बेटी है डॉटर तारा, उसका जो है रेसिडेंट कार्ड नहीं आया है बिकॉज ऑफ स्लो प्रोसेस इन जर्मनी। जैसे ही रेसिडेंट कार्ड आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगी विद द लिंक्स कि कहाँ आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो। जब तक कि जो है वो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और उसमें देख सकते हो, हम वहाँ पर स्टोरी जो है वो डालते रहते हैं, तो उसको जो है वो आपको हेल्प करेगा अगर आपको ट्रैक करना है कि कहाँ पर क्या कर रहे हैं हम। बाकी बाय बाय फॉर नाउ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।